चैप्टर का एंड इसी चीज से करते हैं, आज भी इसी से कर रहे हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन ठीक है, टेक्निक है, एनर्जी प्रिंसिपल एक टेक्निक है, लेकिन इन इक्वेशन से सवाल हमेशा सही बार एक बार में सही सॉल्व हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। दे मे फेल अस, व्हाई दे मे फेल अस, वो वैलिड है कंजर्वेशन, लेकिन क्या सिस्टम ले रहे हैं, किसकी किससे टक्कर हो रही है, पूरी घटना क्या चल रही है, ये हम इस तरह से देख नहीं पाएंगे। देयर इज नो वे वी कैन सी जस्ट बाय मोमेंटम। दैट इज द रीजन कि हमने सबसे पहले फोर्स पढ़ा था, हमने फोर्स सबसे पहले इसीलिए पढ़ा था क्योंकि वो सबसे फंडामेंटल आइडिया है, उसको नहीं छोड़ पाएंगे हम। वर्क एनर्जी के भी एंड में मैंने ये सिखाया था कि एनर्जी कंजर्वेशन, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सवाल सॉल्व हो ही जाएगा, वी मे नीड टू लुक बैक एट फोर्स। इसी तरह से आप बोले कि सर मैं वन और टू को सिस्टम ले लेता हूं और इसकी टक्कर मान लेता हूं, आपके सिस्टम लेने से कुछ नहीं होता, वन का मोमेंटम थ्री को ट्रांसफर हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्टैक्ट में वन थ्री के है ही नहीं, टू और थ्री कॉन्टैक्ट में है तो यही एक दूसरे को फोर्स के थ्रू मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि वो कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फोर्स भूत नहीं है कि आपके मान लेने से वन का मोमेंटम थ्री को ट्रांसफर या आगे ट्रांसफर हो जाएगा, या वन और टू का मोमेंटम फोर को ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्टैक्ट में थ्री ही आ रहा है और फोर्स के थ्रू ही अल्टीमेटली एनालिसिस संभव है, बिना फोर्स के एनालिसिस संभव नहीं है। दैट्स व्हाई वी स्टडी फर्स्ट फोर्स एंड देन एवरीथिंग एल्स। आपकी मदर आने वाली है,